हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल टीच यू एक्सीएफ एंड एलसीएम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सीएफ एंड एलसीएम। तो पहले तो हम टाइप वन देखेंगे जो कि एलसीएम है, और सेकंड टाइप में हम एक्सीएफ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले तो हमें एलसीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एलसीएम कहते किसे हैं। तो पहले हम ये बताएंगे, फिर हम एक्सीएफ बताएंगे। तो टाइप वन एलसीएम, तो एलसीएम को हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे और आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4824, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो अब हम इन्हें ट्रिक से कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिए हों जिनका आपको एलसीएम निकालना हो, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको जो लास्ट की नंबर होता है, लास्ट की जो भी डिजिट हो सबसे बड़ी, उसे हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 24 है, तो हम यहाँ पे 24 लिख लेंगे। जब इसे 24 लिखेंगे, और जो जो इधर की छोटी वाली संख्याएँ होती हैं उन्हें हम नीचे लिख लेंगे। लास्ट वाली जो भी संख्या हो आपको उसे ऊपर लिखना है, और इधर वाली संख्याओं को जो भी बचेंगे नंबर उन्हें हम नीचे लिख लेंगे। जैसे 24 मैंने यहाँ ऊपर लिखा, और 48 हमारा बचा, उसे हम नीचे लिख लेंगे। तो 48 हम नीचे लिख लेंगे। तो 4 यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं, तो इस 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24 1 24 24 2 48 हमारा आएगा 48। तो ये हमारा 48 आया। तो जब हमारा मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे 4 8 24 है, मतलब यहाँ पे 24 4 8, इन तीनों संख्याओं से अगर ये वाली संख्या कट जाएगी तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। तो चलिए मैं आपको देखती हूँ कि मतलब कटता है कि नहीं। तो 24 2 से तो कट ही जाएगा, तो ये हमारा सही है। 4 से 48 आता है, हाँ 48 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है। तो मतलब हमारा जो आंसर है 48 ही आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 48 है 41 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 10 15 30। इसमें मैंने 3 नंबर वाली संख्याएं ली थी, इसमें मैंने 4 नंबर वाली संख्याएं ली हैं। तो इसे कैसे करते हैं, ये भी उसी ट्रिक से होगा। वो कैसे होगा ये मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमने 24 लिखा था लास्ट वाली संख्या, तो यहाँ पे हमारी क्या है, 30 है, तो हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे। जब यहाँ पे हमने 30 लिखा, जो जो इधर की नंबर बच जाते हो उन्हें हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा है, 5 10 और 15, इन्हें यहाँ पे 3 संख्याएं, 3 नंबर हैं, 5 10 15। तो मतलब यहाँ पे 2 थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 90। तो चलिए देखते हैं क्या ये 90 इन तीनों नंबरों से कट पाएगा। अगर ये 90 इन तीनों नंबर से कट जाए तो हमारा आंसर जो होगा वो 90 ही होगा। तो 30 से तो 90 कट जाएगा, क्या 5 से 90 कट सकता है, यस 5 से भी 90 कट सकता है, 10 9 90, 10 से भी कट सकता है, 15 से भी कट, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 90 ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 6 12। तो 3 6 12, तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी ही ट्रिक से करेंगे जैसे हमने बाकी के दो क्वेश्चन करे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और लास्ट क्या है, 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, और ये जो दो नंबर बचे उन्हें हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 3 6। 3 6 को हमने यहाँ पे लिखा, 1 2, यहाँ पे दो संख्याएं हैं तो इसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 24। तो चलिए देखते हैं क्या 3 और 6 से 24 कटेगा। अगर 3 और 6 से 24 कट जाए तो हमारा आंसर 24 ही होगा। तो चलिए बता देखते हैं कैसे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18
थ्री सेवन जा 21, थ्री एट जा हो जाता है 24, तो हमारा आंसर 24, इससे मतलब 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 24 थर्ड का। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कैसे है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 2, 4, 3 एंड 12, तो ये चार संख्या वाली है, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे बाकी के क्वेश्चंस करे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 12 है लास्ट में, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, बाकी की संख्याओं को हम नीचे लिखते हैं। बाकी की संख्या क्या है, 2, 4, 3, ये हमारी बाकी की, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हम इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 36, यहाँ पे 36 होता है, 12 3 36। तो चलिए देखते हैं क्या ये 36 इन नंबरों से कट पाएगा। अगर इन नंबरों से ये 36 कट जाएगा, तो हमारा आंसर 36 ही होगा। 2 से 36 कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, और 3 से भी, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 36 ही है। तो चलिए अब हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 2 है हमारा एक्सईएफ। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सईएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए अब हमारा टाइप 1 टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 4, 7 तथा 3, 2, 3, हमें इसका एक्सईएफ फाइंड करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पहले तो आप इनको देखिए कि इनमें गैप कितना है। पहले आप यहाँ पे नंबर्स लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 3, 4, 7 और 3, 2, 3, ये दिया है। तो पहले तो आप इनका गैप देखिए, इनमें कितना नंबर बच रहा है, इसमें बच रहा है 12। तो यहाँ पे जो भी 12 बच रहा है, नो सॉरी 24 बच रहा है, यहाँ पे 24 बच रहा है गैपिंग में। तो गैप, जब पहले तो आपको इनका गैप देखना है, गैप से ही हमें आंसर पता चलता है। जैसे यहाँ पे 24 है, तो 24 को हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, जैसे 12 into 2 is 24 होता है। तो 24 होता है, मतलब 12 से ये 24 कट सकता है, और एक हमारा होगा 24 1 24, ये भी हो सकता है। तो सो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 24 किससे कट जाएगा, ये 24 हमारा 12 से कट सकता है। तो मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 12 होगा। तो किस ऑप्शन में है 12, ऑप्शन ए में हमारा 12 है, तो मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 0, 2, 5, 2, 7, 5, 8, 9। तो हमें ऐसे, पहले हमने दो संख्या वालों का करा है फैक्टर, अब हम 3 वालों का देखेंगे। तो पहले तो इन तीनों में हमने बताया था आपको पहले वाले में कि हमें इसमें गैप देखना। तो पहले आप इन दो संख्याओं, इन तीन में से दो संख्याओं को ले लीजिए जिसमें कम गैप हो। तो जिस कम किसमें है, यहाँ पे 302 है, यहाँ पे 527, यहाँ पे 579, तो मतलब इसमें ज़्यादा कम गैप है। तो हम इस वाले को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। जब इन दोनों में देखिए आप कितना गैप है, तो इसमें कितना गैप बचेगा हमारा, इसमें हमारा 62 गैप का है, 62 है। तो 62 है, तो अभी हमने बताया था ये जो आता है इसे हम दो भाग में तोड़ लेंगे। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, 62 को है तो हम 31 से तोड़ लेंगे। 31 टूजा होता है हमारा 62, या तो फिर हम 62 वनजा कर लें, तो वैसे तो नहीं कटेगा, तो मतलब ये 31 से हमारा 62 कट जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 31 होगा। तो ऑप्शन ए में हमारा 31 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 31। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 2, 1, 1, 8, 9, 2,
1893-7643। तो पहले फिर हमें इनका गैप, पहले हम गैप देखेंगे, गैप कितना है। तो गैप यहाँ पे देखा है हमने कि सबसे कम इन दोनों में है, तो इन दोनों को ही हम ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें और इनमें गैप कितने का है। यहाँ पे 18 है, 92 यहाँ पे 93, मतलब 1 का गैप है। तो यहाँ पे हम 1 को तो किसी से भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या होती है जो हर किसी से कट जाती है। तो 1 से हर संख्याएं, हर नंबर कट जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। तो 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 9, 8, 9, 8, 1, 3, 2, 1, 4, 8। तो इनको हम कैसे करेंगे? इसको भी हम वही ट्रिक से करेंगे जो कि हमने पहले सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो पहले हम देखेंगे इसमें सबसे कम गैप किन दो नंबरों में है। तो 1, 3, 2 और 1, 4, 8 में कम गैप दिख रहा है, 98 में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में देखते हैं कितना गैप है, कितने नंबर का। यहाँ पे है 16 का। तो यहाँ पे 16 का है, तो हम 16 को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। तो 16 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो मतलब 8 2 16 होता है। या तो फिर आप कर सकते हैं 4 × 4, ये भी हमारा 16 हो जाएगा। तो ऐसे जब हम तोड़ देते हैं तो जो छोटी से छोटी संख्याओं से जो कट जाए उसे हम सबसे पहले लेते हैं। तो 16 जो है हमारा सबसे छोटी संख्या किससे कटा है? 2 से कटा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 2 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2। तो आज मैंने ये HCF एंड LCM की कुछ ट्रिक्स बताई हैं आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।